नमस्कार फ्रेंड, मैं आराधना और आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज मैंने देखा एक वीडियो में, जिसका चैनल का नाम है रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर। तो वो जो है बहुत परेशान है, बेचारे के पीछे बहुत पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा उनको बोल रहे हैं। तो वो तो इतना अच्छी है कि इतना मतलब सिंपल सा रहती है और वीडियो भी बनाती है सिंपल सा, और सबसे अच्छे से रिप्लाई भी देती है। मैं भी कई बार कमेंट किया हूँ उसका वीडियो, मैं देखते रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और सिंपल लगती है। हम लोगों के तरह ही है वो भी, सिंपल सादा सीधा, और ना किसी को कुछ बोलती है, ना किसी के बारे में वीडियो में भी नहीं बोलती है। वो अपना बच्चों में खुश रहती है, अपना वीडियो में खुश रहती है और सिंपल से बनाती है इतना अच्छा सा, ना तो किसी के बारे में कुछ कभी बोलती नहीं है और अच्छा से रिप्लाई ही देती है। मैंने कई बार उसके वीडियो में कमेंट करी हूँ तो वो हाँ ना के जवाब देती है, जो बात पूछती हूँ उसका ही रिप्लाई देती है और ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छी है वो। अब फिर भी लोग उसके परेशान करे जा रहा है, मत करो भाई, इतना परेशान मत करो। क्यों दूसरे को परेशान करोगे? दूसरे को परेशान करते हो तभी तुम लोग खुद ही परेशान रहते हो। उसको देखो, वो किसी का ना परेशान करती है ना कुछ करती है, वो अच्छे से वीडियो बनाती है तभी वो आगे बढ़ रही है। तो तुम लोग भी उसको परेशान मत करो, बुरा अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के बारे में बुराई भी मत करो। उसको थोड़ा, उसको आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने दो, उसी के साथ तुम भी आगे बढ़ोगे, ये क्यों नहीं समझते हो? तो प्लीज बुराई मत करो। तो मैं इतना ही कहूँगी जो बुराई मत करो, और मैं रिद्धि सिद्धि ब्लॉगर को भी कहूँगी आप दूसरे के बात पे ध्यान मत दो, मत परेशान हो, परेशान होके अपना तबीयत खराब करोगे क्या फायदा।